आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। बिग बॉस 12 में जहां सेलिब्रिटीज अकेले आए हैं, वहीं कॉमनर्स जोड़ी में जोड़ियों में आए लोगों को कॉमनर्स कहकर इंट्रोड्यूस कराया गया था। लेकिन बिग बॉस सीजन 12 के चौथे दिन ही एक कंटेस्टेंट की पोल खुल गई है। जी हां, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शो में आने के लिए इस कंटेस्टेंट ने अपना नाम और काम दोनों ही गलत बताया है। कहने को शो में आया ये शख्स किसान है, लेकिन असल जिंदगी में ये किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जोड़ीदार शिवाशीष मिश्रा के साथ आए सौरभ पटेल। शो में जहाँ अनूप जसलीन का रोमांस और क्रिकेटर श्रीसंत का गुस्सा सुर्खियों में है, वहीं सौरभ अपनी रियल आइडेंटिटी को लेकर काफी चर्चाओं में है। आपको बता दें, सौरभ ने न केवल अपना नाम गलत बताया है बल्कि उन्होंने अपने काम को लेकर भी शो में बड़ा झूठ बोला है। आज हम आपको सौरभ की असल पहचान बताएंगे। दरअसल सौरभ का असली नाम साहिर रामेश्वर पटेल है और वो कोई किसान नहीं है, बल्कि उन्होंने रश्मि शर्मा और BAG फिल्म्स जैसे प्रोडक्शन हाउस में बतौर असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर काम किया है। सौरभ के इस झूठ का खुलासा उनके साथ काम कर चुके एक साथी ने किया। बता दें, सौरभ के साथ काम कर चुके इस शख्स ने अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट बॉलीवुड लाइफ को एक इंटरव्यू में बताया कि वो कास्टिंग डायरेक्टर शादमान खान के साथ भी काम कर चुके हैं। जब शादमान खान से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बात को सही बताया। उन्होंने ये भी बताया कि जब सौरभ ने उनके साथ काम किया था तब उनका नाम सौरभ नहीं था। बता दें, जब सलमान ने जोड़ियों को ग्रैंड प्रीमियर में सबसे इंट्रोड्यूस करवाया था तब उन्होंने शिवाशीष मिश्रा और सौरभ पटेल की क्लिप दिखाई थी, जिसमें दिखाया गया था कि बिजनेसमैन शिवाशीष मिश्रा और उनके किसान दोस्त सौरभ पटेल के पास लग्जरी कार है। साथ ही कुछ दिनों पहले शिवाशीष मिश्रा ने दीपक से बातचीत के दौरान सौरभ को साहिल कहकर पुकारा था। बता दें, हाल ही में जोड़ीदार शिवाशीष मिश्रा और सौरभ पटेल के बीच काम को लेकर बहस हो गई थी। इस दौरान ये जोड़ी कमजोर दिखी। बात करें शो के अपडेट की तो घर में पहला कैप्टन बनने का मौका घर में आई एक आम जोड़ी कॉमनर रोशमि और कृति को मिला है। कैप्टेंसी का फैसला घर में हुए राजा रानी टास्क के जरिए हुआ। इस टास्क में अनूप जलोटा राजा और जसलीन उनकी वजीर बनी थी। वहीं दीपिका कक्कड़ और रोशमि कृति की जोड़ी को घर की कैप्टेंसी के लिए आम सहमति से चुना गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।